तो हमने अभी देखिए पैन में एक चम्मच तेल डाला है, इसमें 1 स्पून ऑफ जीरा डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा अदरक और लहसुन, और ये सब मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक काटी हुई, जैसे थोड़ा सा ये सॉटे हो जाए वील हैड अनियन, और मैंने जुमिलन ऐसे एकदम पतले पतले अनियंस काट दिए, वन बिग अनियन, उसको भी अच्छे से हम सॉटे होने देंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में, हम आए विद द लवली मॉम श्वेता शेख के संग, आज आपको पनीर की ये स्पेशल सब्जी दिखाने, एंड श्वेता इसको बोलते हैं पनीर जेल फ्राइज़ी, पनीर जेल फ्राइज़ी की दिस इज माय वेरिएशन ऑफ मेकिंग। हाँ बिल्कुल, श्वेता के पनीर के वेरिएशन तो वैसे ही सुपर हिट है, और आज उसमें एक और वेरिएशन वो लेके आई है आप ही के लिए। तो यहाँ पे प्याज को अभी हम सॉटे कर रहे हैं, yes, इसको हम लगभग 2 to 3 मिनट्स इसको सॉटे होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ओके, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारे प्याज यहाँ पे हो चुके हैं, अभी इसमें हम डालेंगे बड़े 2 टमाटर, उसको भी मैंने से जुमिलन ऐसे एक लंबे लंबे काट दिए है, और ये मीडियम फ्लेम पे, एवरीथिंग इज ऑन द मीडियम फ्लेम, और इसमें हम थोड़ा सॉल्ट डाल के उसको होने देंगे अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। और थोड़े अपने और मसाले भी डालेंगे, आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी, हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ जीरा पाउडर, एकदम सिंपल घर के मसाले से बहुत यम्मी बनती है सब्जी पनीर की। हाँ, और देखिए इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के संग बाहर रेस्टोरेंट ही जाने की जरूरत ही नहीं है, जब आप घर में आसानी से पनीर की ये शाही सब्जी आप बना सकते हैं। अभी हम इसको ढक देंगे फॉर 4 to 5 मिनट्स मीडियम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे होने देंगे, ताकि अपने सब मसाले अच्छे से बाइंड हो जाए टमाटर के साथ। ओके, सो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और ये सब हम क्रंची ही रखेंगे, उसको ओवर कुक भी नहीं करना है ये सब्जी को। तो इसमें डालेंगे हम ग्रीन बेल पेपर, मैंने लिया है वो भी आधा लिया है मैंने, और लंबा लंबा काटा है, अभी ये स्टेज पे भी हम यहाँ पनीर डाल देंगे इसके साथ ही, उसको भी ऐसे मैंने लंबे लंबे काट दिए है, और सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हल्का सा कसूरी मेथी एंड हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला। देखिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिए, इजी है, आसान है, पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। परांठों के संग, चपाती के संग, कुलचे के संग, या फिर राइस के संग, प्लेन राइस के संग मजा आ जाएगा आपको इसको खाने में। आई विल ऐड लिटिल सॉल्ट, थोड़ा पनीर के लिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी। एंड दिस इज अ लिटिल ड्राई श्वेता, यस दिस इज अ ड्राई सब्जी ओनली। देखिए ड्राई सब्जी आसानी से ये बनती है, और कितनी आसानी से बन भी चुकी है ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे सब्जी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स उसको ढक देंगे। श्वेता डू यू नो बाय योरसेल्फ कि आप कितनी पनीर की सब्जी बना चुकी हैं? शी इज एन एक्सपर्ट ऑफ पनीर, एंड यू नो अभी वो काउंट, उनके बिल्कुल काउंटलेस पनीर रेसिपीज हो चुकी हैं उनके पास। आई लव टू ट्राई अपेक्षा न्यू पनीर डिशेज, बिकॉज़ आई लव पनीर। यस शी लव्स पनीर, एंड देखिए इसलिए आज हम पनीर की नई सब्जी आपके लिए लेके आए हैं। अब इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, कितनी टेस्टी लग रही है यहाँ पर। और इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे अच्छे से, धनिया। वी आर डन, यस वी आर डन, सी मिक्स इट, यू कैन सी लवली ब्यूटीफुल कलर आल्सो ऑल मिक्स। और देखिए बन चुका है अब हमारा ये जबरदस्त पनीर की सब्जी यहाँ पर, अब इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे दोबारा, बाय बाय।